नईम किधर हो बेटा? जी अम्मी। इधर आओ बैठो जरा। ये देखो ये कंगन मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए लिए हैं, कैसे लगे? ये मेहरू के लिए? कैसे लगे? बहुत अच्छे। और तुमने क्या लिया है उसे मुंह दिखाई में देने के लिए? मैंने कुछ भी नहीं लिया ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लूं उसके लिए, लेकिन अब लगता है उसके लिए बहुत जल्द कुछ खरीदना पड़ेगा। जानती थी बड़े लापरवाह हो तुम, चलो अब यही दे देना। जी नहीं, आपने अपनी बहू के लिए लिए है ना, आप ही दीजिएगा, तो मेरू के लिए खुद जाकर कुछ खरीदूंगा। अरे वाह, चलो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वैसे अच्छी लड़की है ना, बहुत खुश रखेगी तुम्हें। जी, कल उससे मिलते ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि बहुत अच्छी हो, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने अपनी आइडियल सोची हुई थी, शर्मीली सी, सादा सी। हाँ तो ढूंढी किसने है, अच्छी तरह जानती थी ना तुम्हारी पसंद, शर्मीली सी, मासूम सी। तुम्हें बेबाक लड़कियां नहीं पसंद ना, और पता है उनके घर का माहौल अच्छा खासा सख्त है, लड़कियां बिला वजह में बाहर नहीं निकलती। लेकिन वो कौन था, वो लड़का जो साथ था वो क्यों था? अरे होगा कोई उनका रिश्तेदार, अब ये थोड़ी कह रही हूँ कि किसी से मिलती ही नहीं। अब तुम अपनी ये शक की आदत छोड़ दो। शक का कर रहा हूँ मैं? हाँ सुनो, आज शाम को मैंने ढोलकी रखी है, मोहल्ले की बच्चियां आएंगी, गाना बजाना होगा, अब कह दो कि मैं मसरूफ हूँ। ठीक है चले जाना किसी दोस्त के यहाँ। नहीं लेकिन वैसे क्या जरूरत थी इतने लोगों को बुलाने की, शोर शराबा होगा बिना वजह। जरूरत? अरे मेरे घर की पहली खुशी है, मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी, तुम्हें अगर बुरा लगे तो चले जाना किसी दोस्त के। अच्छा अच्छा सुने तो सही, क्या हो जाता है भाई, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। आपके दिल की खुशी है ना? बिल्कुल। ठीक है तो आपके दिल में जो आता है ना आप वो कीजिए। मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी, सारे अरमान। हाँ ठीक है,